फ्रेंड्स, दिस इज पलक मालविया। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक फाउंडेशन का रिव्यू। एंड दिस फाउंडेशन का आज मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो फाउंडेशन है मेबलिन का। आप लोग देख सकते हैं, ये मेबलिन का सुपर स्टे 24 फुल कवरेज फाउंडेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कहाँ से परचेस किया। ये मैंने परचेस किया है purple.com से। एंड ये आपको इजीली ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा कहीं पर भी मिल जाएगा, बट मैंने इसे पर्पल से परचेस किया है। एंड इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू आप इसे परचेस कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो इस तरीके से एक ग्लास बॉटल में आता है विथ वाइट कैप एंड विथ अ पम्प। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पम्प के साथ आता है, तो बिल्कुल मैस नहीं करेगा आपको। जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए आप अपने हैंड पेंट निकाल सकते हैं और फिर इसे यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी आपकी बॉटल मैसी नहीं होगी इससे। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट मुझे इसका ये अच्छा लगा कि इसके साथ विथ पंप है, ग्लास बॉटल है विथ वाइट कैप। सेकेंडली मैं बात करती हूँ इसकी प्राइस की। तो इसका जो MRP यहाँ पर दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 750, बट मुझे पर्पल पे मैंने डिस्काउंट चल रहा था तब मैंने इसे परचेस किया था, तो मुझे 20% डिस्काउंट पे मिला था। एंड पर्पल पे आपको ऑलवेज डिस्काउंट मिलता रहता है, तो ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिला था। बात करते हैं इसकी शेल्फ लाइफ की। तो शेल्फ लाइफ इसकी दी हुई है 19 to 2022। इट मीन्स इसकी 2 साल की शेल्फ लाइफ है। आप जब भी खरीदेंगे तो 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी। इसकी बात करती हूँ मैं क्वांटिटी की। तो नेट वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 30 ml इसकी आपको क्वांटिटी मिलेगी। मेरा जो शेड है वो है 120 क्लासिक आइवरी। आपको इसमें बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग शेड्स परचेज कर सकते हैं। मेरा जो यहाँ पर शेड है वो है 120 क्लासिक आइवरी। एंड देखते हैं कंपनी क्या क्लेम करती है, क्या इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है फुल कवरेज फाउंडेशन। ये फाउंडेशन फुल कवरेज है, 24 आवर आपके स्टे करेगा आपके स्किन पे। ऑयल कंट्रोल, शाइन फ्री, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और शाइन फ्री है ये। ब्रीदेबल एंड कंफर्टेबल, स्वेट एंड सीबम रेजिस्टेंस, आपको स्वेटिंग नहीं होगी जब आप इसे अप्लाई करेंगे। ऑयल फ्री, डजंट क्लॉक पोज, आपके पोज को क्लॉक नहीं करेगा और ऑयल फ्री है। फेड एंड ट्रांसफर रेजिस्टेंस, ये जो फाउंडेशन है फेड भी नहीं होगा और ट्रांसफर रेजिस्टेंस है। आइए फ्रेंड्स, इसको मैं अपने फेस पे आपको अप्लाई करके बताती हूँ। अप्लाई करने से पहले मैंने अपना अच्छे से CTM कर लिया है और मैंने फेस पे प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है। जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज, हाइड्रेट जरूर करें। तो यहाँ पर मैं 2 पंप अपने हैंड पे ले लूँगी और फिर डॉट डॉट करके इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। कलर देख सकते हैं मेरे स्किन से बिल्कुल मैच कर रहा है और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, लिक्विडी बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल थिक भी नहीं है, लाइक अ क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा अपने रेड पे भी इसे अप्लाई कर रही हूँ और फिर यहाँ पर मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। और आप चाहें तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। इजीली ब्लेंड हो रहा है एंड कवरेज इसकी फुल कवरेज आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। ब्लेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और मेरी ड्राई स्किन है तो काफ़ी अच्छे से ये मेरे स्किन पर ब्लेंड हो रहा है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि पैची नया इस टाइप का, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही। इस तरीके से आप पूरे फेस पे ब्लेंड करें, नेक पे भी अच्छे से ब्लेंड करें। देख सकते हैं हल्का सा शीन भी मेरे फेस पे आ रहा है, बिल्कुल कि फेस को मैटिफाई भी नहीं करेगा और ऑयली ऑयलीनेस भी नहीं आएगा। मतलब ऑल स्किन टाइप है, मतलब अगर आपका स्किन ड्राई है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन है तो भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयली है तो भी यूज़ कर सकते हैं।
और कवरेज के लिए तो बिल्कुल ही फुल कवरेज है, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन लगा मुझे। कवरेज आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी कवरेज इसने दी है, बिल्कुल जितने भी मेरे ब्लेमिशेज और स्पॉट्स थे उसने बहुत अच्छे से कवर कर दिए। मैंने अभी कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं किया है, तो इस तरीके से मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया है। एंड फाउंडेशन को सेट करने के लिए यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये फेसेस कैनाडा का कॉम्पैक्ट है, आप कोई भी कॉम्पैक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो मेक श्योर आप उसे अच्छे से सेट करें, चाहे स्किन आपकी ड्राई हो क्यों ना हो, बट फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से आप इसे सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने रेस्ट मेकअप कर लिया है एंड फ्रेंड्स ये मेरी तरफ से बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप चाहते हैं फुल कवरेज फाउंडेशन तो मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर्स लॉन्ग फाउंडेशन बहुत 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 अच्छा फाउंडेशन है। इसमें जो भी कंपनी ने क्लेम किया था कि फुल कवरेज है और फेड नहीं होता है और लिखा था इसमें कि 24 वियर करेगा, तो मैं इसके बाद जब मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था उसके बाद में कम से कम मैंने 7-8 घंटे अपने इस पे फेस पे रखा था, तो ये बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ था और बिल्कुल एज इट इज़ मेरे फेस पे रहा था। इसमें लिखा हुआ था कि ये स्वेट प्रूफ है, तो बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हुई थी मुझे अप्लाई करने के बाद में। और फुल कवरेज तो आप देख ही सकते हैं, बहुत फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं इसे परचेस करना तो बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, बहुत 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 अच्छा फाउंडेशन है ये। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो और ये रिव्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप क्लिक करेगा तभी आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।